रेखाओं के ऊपर, जो बेसिक रेखा उसके बारे में बता दें। बेसिक रेखा क्या है? जीवन रेखा, जो कि ठीक अंगूठे से, अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से शुरू होती है, यानी गुरु का पर्वत और मंगल के पर्वत के बीच से ये वाला, ये रेखा निकलती है। कई बार रेखाएं नीचे से निकलती है, अंदरूनी मंगल से, कई बार रेखाएं गुरु पर्वत से भी निकलती है, वो डिपेंड करता है। तो मंगल पर्वत से निकलने वाला, निकलने से व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा होता है और गुस्सैल स्वभाव का होता है। अगर गुरु पर्वत से निकला है तो व्यक्ति उतना ही शांत और बुद्धिमान, बहुत ज्यादा उत्तेजना, ऐसे लोग उत्तेजित होते हुए नहीं दिखेंगे, बहुत कूल रहते हैं ऐसे लोग, समझदार होते हैं, उनके अंदर एक जिम्मेदारी लेने की प्रवणता और हर चीज को ना बहुत कूलली हैंडल कर पाते हैं। तो जीवन रेखा की शुरुआत मोस्टली अगर हाथ में देखेंगे तो मंगल पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच शुरू होता है। कम हाथों में ऐसा होता है कि जो मंगल के बिल्कुल नीचे से शुरू हो या गुरु के पर्वत से शुरू हो, ऐसा कम होता है। मैक्सिमम हाथों में आप देखेंगे दोनों के बीच से शुरू होता है। ठीक उसी तरह से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों ही एक साथ उत्पत्ति लेते हुए एक रेखा एक ही साथ में निकल के आती है। मस्तिष्क रेखा बेसिकली क्या दर्शाता है? मस्तिष्क रेखा दर्शाता है कि व्यक्ति का बुद्धि बल कैसा है, वो कैसे सोचता है। एक तो बुद्धि का, सॉरी बुद्ध का पर्वत है, सोचने की प्रकृति को दिखाता है, और मस्तिष्क रेखा दिखाता है कि उसका ब्रेन की फंक्शनैलिटी कैसी है। ये जितना स्ट्रेट रहे, यानी स्ट्रेट का मतलब मंगल टू मंगल, इस मंगल से निकल के इस वाले मंगल में जाए, व्यक्ति उतना प्रोएक्टिव होता है, इंटेलिजेंट, एकदम क्विक डिसीजन लेने वाला, ज्यादा सोचेगा नहीं यार, बहुत डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल। ऐसा आदमी कभी भी मौके को नहीं गवाता और हमेशा मौके की ताक में रहता है, मौके पे चौका मारने वाला हिसाब। अगर आप किसी के भी हाथ में ऐसे ऐसी मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट देख लेना तो समझ लेना वो व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ है, और वो ना बिना मतलब का कोई काम नहीं करेगा, टाइम वेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। उसके दिमाग में हमेशा ना प्रोडक्टिविटी चलेगा कि मैं किस काम से फटाफट इनकम कर लूं, या किस का कौन सा काम करने को, करने से मेरा दूसरा काम भी जल्दी बन जाए। वो खाली या विल्ला बैठा हुआ बिल्कुल नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहने वाला होता है। तो मस्तिष्क रेखा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके अटेंटिवनेस को दिखाता है, आप कितने अटेंटिव है। ये रेखा जितनी स्ट्रेट रहती है व्यक्ति उतना अटेंशन दे पाता है अपने हर काम पे। और अगर मंगल टू मंगल रहे, यानी कि एक इंटरनल मंगल से एक्सटर्नल मंगल की ओर पूरा स्ट्रेट बने, तो ऐसा व्यक्ति ब्रेन से बहुत प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव मतलब उसको अपना एक भी सेकंड गंवाना पसंद नहीं होता, वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, हर काम को सही तरीके से करता है, मौके का तो इतना सुपर फायदा उठाता है कि बता नहीं सकता। ऐसे लोग ना आपको अक्सर दिखेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, खाली कभी नहीं बैठते।